गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला हम लोग लिखते कैसे हैं, आज हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है ना, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। यदि एल्युमिनियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, देखिए कितना आसान से लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना होगा एल्युमिनियम फॉस्फेट में कौन कौन सा सब्सटेंस मिल के बना है। तो इस हम लोग क्लियर देख रहे हैं, यहाँ एल्युमिनियम है, दूसरा क्या है फॉस्फेट है। और एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज होता है आपको पिछले लेक्चर में ही बता चुके हैं कि जनरली एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज +3 होता है। और यदि फॉस्फेट कभी आपको हम लोग याद कराए थे कि फॉस्फेट के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो आपको मैं याद बताया था PO4⁻²⁺ होता है, इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। क्या बोलते हैं? फॉस्फेट आयन बोलते हैं। क्या लोग बोलेंगे? फॉस्फेट आयन बोलेंगे। तो ये दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? एल्युमिनियम फॉस्फेट बन रहा है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, Al+3 दे दीजिए और इसके साइड में लिख दिए PO4⁻²। अब हम लोग देखिए दोनों को एक साथ करेंगे, यहाँ दे देंगे Al और PO4 को हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे। और इस पर जो चार्ज है फॉस्फेट आयन के नीचे आ जाएगा और इसके जो चार्ज है एल्युमिनियम के नीचे आएगा। एल्युमिनियम पे चार्ज 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, AP O4⁴। और एल्युमिनियम जस्ट PO4 पे कितना चार्ज है, -3 चार्ज है। कितना? -3 चार्ज है। तो इस पर भी होगा Al3 हो जाएगा, इसका चार्ज यहाँ आएगा और इसका चार्ज यहाँ आएगा। देखिए दोनों में देखिए 3 है ना, यदि दोनों में कॉमन 3-3 आ जाए तो हम लोग उस कॉमन सब्सटेंस को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, एल्युमिनियम फॉस्फेट हो जाएगा PO4। ये क्या हो गया, एल्युमिनियम फॉस्फेट हो गया। यदि हम लोग दूसरा देखते हैं क्या है, बेरियम फॉस्फेट। क्या देखेंगे? बेरियम फॉस्फेट। फॉस्फेट देखते हैं। देखिए बेरियम किस ग्रुप एलिमेंट है, बेरियम जो है ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है। याद होगा ही आपको, बेरियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम और रेडियम है। और ग्रुप 2 में जितना भी एलिमेंट होती है सब के ऊपर चार्ज होता है +2 होता है। और फॉस्फेट तो मैं लिखा चुका है, PO4 पे पावर क्या होता है, -3 होता है। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग एक जगह लिखेंगे दोनों को, यहाँ पहले लिखेंगे Ba कर देंगे और PO4 कर देंगे और इसका चार्ज कर देंगे फॉस्फेट के नीचे कर देंगे और इसका चार्ज जो फॉस्फेट पे चार्ज है -3 उसको बेरियम के नीचे कर देंगे। यही आपका हो गया Ba3PO4⁺। ये क्या कहला जाएगा, बेरियम फॉस्फेट कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या, सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये सोडियम कार्बोनेट जो है एक सोडियम और दूसरा कार्बोनेट के मिलने से बना हुआ है। सोडियम पे चार्ज होता है कितना, ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 में चार्ज कितना होता है, +1 होता है, इसलिए लोग क्या देंगे, Na+ कर देते हैं। क्योंकि ग्रुप 1 का है, ग्रुप 1 का वैलेंसी हमेशा +1 होता है और जितना वैलेंसी होता है वही उसका क्या है, चार्ज होता है। तो ग्रुप 1 है, चार्ज कितना दे दिए, 1 दे दिए हम लोग। तो यहाँ पे 1 लिखना ज़रूरी है कि नहीं है, एक्चुअली आप लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या कर दिए, प्लस कर दिए। और कार्बन
कार्बोनेट जो है उसको बोलते हैं CO3-2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CO3-2 बोलते हैं। अब देखिए दोनों को क्या करेंगे, हम एक जगह कर देंगे, NaCO3 कर देंगे हम लोग। क्योंकि CO3 को हम लोग ब्रैकेट में क्यों लेते हैं, क्योंकि C और ऑक्सीजन दोनों क्या एक साथ हैं, इसलिए वो क्या कि ब्रैकेट में लेते हैं। अब कार्बोनेट आयन का जो फॉर्मूला है -2, ये इसके नीचे आ जाएगा और यहाँ पे जो है ये क्या है, इसके नीचे आ जाएगा। मीन्स चार्ज का क्या होता है, इंटरचेंज होता है। क्या होगा? चार्ज का इंटरचेंज होगा। तो इसको लिख सकते हैं Na2CO3, यही होगा क्या, सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमोनियम फॉस्फेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, अमोनियम फॉस्फेट। फॉस्फेट देखिए, ये जो अमोनियम फॉस्फेट बना है, अमोनियम और फॉस्फेट दो अलग अलग के मिलने से बना है। अमोनियम का देखिए मीनिंग, अमोनियम पे चार्ज कितना होता है मैं लिखा चुका हूँ, ये होता है NH4 चार्ज 1 होता है प्लस। और फॉस्फेट पे कितना होता है, PO4⁻³ होता है। जब हम लोग केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे ये हो जाएगा NH4PO4, दोनों क्या ले लेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे हम लोग। इसका NH4 पे जो चार्ज 1 है, ये 1 इसके नीचे आ जाएगा और फॉस्फेट के नीचे जो चार्ज है -3, तो ये 3 क्या है, इसके नीचे आ जाएगा। तो हम लोग ये चार्ज लिखते वक्त चार्ज को नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस को हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि चार्ज तो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, इसलिए हम लोग क्या किए, चार्ज इसमें लिखते नहीं हैं। और चूंकि देखिए क्या है, यहाँ 1 है, जनरली 1 तो लिखाता नहीं है, इसलिए 1 को हम लोग हटा देंगे और डायरेक्ट लिख देंगे NH4³PO4 कर देंगे, ये कर देंगे हम लोग। अब देखिए क्या है, यदि इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको आप कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है, ये 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए नाइट्रोजन से भी और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइड्रोजन से भी, तो ये हो गया N3H12PO4 हो गया। ये क्या फॉर्मूला हो गया अमोनियम फॉस्फेट का। यदि नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड का देखते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड देखते क्या है। मैग्नीशियम पे कितना चार्ज है, मैग्नीशियम चूंकि ग्रुप 2 का है, ग्रुप 2 का चार्ज कितना होता है, +2 होता है, मैं लिखा चुका हूँ। क्लोराइड किस ग्रुप का है, 17 ग्रुप का है, चूंकि 17 ग्रुप का है इसलिए पे कितना होता है चार्ज, -1 होता है। अब हम लोग दोनों को एक साथ लिख देंगे, ये हो गया MgCl, इसका 2 आ जाएगा Cl के पास, इसका 1 आ जाएगा 1 के पास, क्योंकि 1 लिखते नहीं है तो क्या हो जाएगा, MgCl2 हो गया। इस प्रकार से इसमें क्या फॉर्मूला बनाते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन देते हैं, आप सब बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा घर बैठ के। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड देखते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम पे देखिए चार्ज कितना होता है, कैल्शियम पे चार्ज होता है +2। फ्लोरीन से ही जब आयन के रूप में लिखते हैं ना, क्या कहलाता है, फ्लोराइड कहलाता है, F-1 होता है। जब इसको लिखेंगे फॉर्मूला में, देखिए एक साथ लाते हैं CA, इसका चार्ज यहाँ आ जाता है और कैल्शियम पर जो +2 चार्ज है ये फ्लोरीन के
एफ के नीचे आ जाता है। क्योंकि वन तो लिखाता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं सी ए एफ टू लिखते हैं। यही क्या कैल्शियम फ्लोराइड। नेक्स्ट देखते क्या हम लोग का है, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट देखिए, सोडियम पे चार्ज कितना होता है Na प्लस होता है, और नाइट्रेट को बोलते हैं NO3-1। क्या बोलते हैं NO3-1 बोलते हैं, क्योंकि दोनों पे चार्ज कितना है, एक पर प्लस वन एक माइनस वन है। मीन्स कंबाइन क्या वन और वन, दोनों क्या वन वन चार्ज है, इसलिए जब लिखेंगे हम लोग Na यहाँ कर देंगे वन और NO3 क्या कर देंगे वन। चूँकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर तो वही नंबर आता है, इसलिए आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं NaNO3। ये कहलाता है सोडियम नाइट्रेट कहलाता है। चलिए कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, थोड़ा बढ़ने का कोशिश कीजिएगा। यदि डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म करने का कोशिश कीजिएगा। लिखिए क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स, इस कुछ नीचे कंपाउंड दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लिखना आपको है। सबसे पहले क्या है, अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम कार्बोनेट है। दूसरा देखिए क्या है, लेड सल्फेट। और तीसरा देखिए क्या है, कैल्शियम फ्लोराइड। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए चौथा नंबर देखिए क्या इसमें है, लेड ऑक्साइड। क्या है, लेड ऑक्साइड। पांचवा देखिए क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट। सिक्स्थ नंबर देखिए क्या है, पोटासियम नाइट्रेट। क्या है, पोटासियम नाइट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए क्या है, इफ द फॉर्मूला फ्लोराइड ऑफ एलिमेंट इज MF2, इफ द फॉर्मूला ऑफ फ्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट इज MF2, देन सबसे पहला लिखिए स्टेट द वैलेंसी ऑफ कैपिटल है, एंड दूसरा देखिए क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट हो गया। देखिए इसका आंसर मैं खुद बनाता हूँ, देखिए क्या होता है इसका आंसर। देखिए इफ द फॉर्मूला फ्लोराइड है, फॉर्मूला दिया हुआ है MF2, तो ये टू कैसे आता है आपको पता है, ये टू जो फ्लोरीन के ऊपर जो टू है, नीचे टू है,
ये एम का चार्ज आता है और इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं तो वन है, ये क्या है, फ्लोरीन का चार्ज है। यदि इसको हटा कर लिखेंगे हम लोग, ये लिख सकते हैं एम पर पावर प्लस टू, और इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, फ्लोरीन पे पावर माइनस वन लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि अब क्लियर होता हो रहा है, जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं इसका चार्ज इसके नीचे आता है और इसका चार्ज इसके नीचे आता है। तो अब यदि क्वेश्चन बोल रहा है क्या, राइट स्टेट द वैलेंसी ऑफ एम, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट द वैलेंसी ऑफ कैपिटल एम। तो आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं क्या, प्लस टू क्या है इसका वैलेंसी है, या टू बोल सकते हैं क्या इसका वैलेंसी आप बोल सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स सल्फेट, सल्फेट के साथ एम का लिखना क्या है फॉर्मूला। तो एम पे चार्ज हो गया क्या प्लस टू, और सल्फेट हो गया एस ओ फोर माइनस टू। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम टू एस ओ फोर का होल टू, तो ये हो जाएगा एम एस ओ फोर हो जाएगा। अब नाइट्रेट के साथ भी लिखना है, एम पे चार प्लस टू हो गया, नाइट्रेट एन ओ थ्री माइनस वन होता है। हम लोग आसानी से लिखते हैं क्या, एम एन ओ थ्री का होल टू, ये नाइट्रेट हो गया। यदि फॉस्फेट के साथ देखिएगा, एम पे हो गया प्लस थ्री टू, फॉस्फेट होता है पी ओ फोर पावर माइनस थ्री। तो हम लोग देखिए आसानी से एम थ्री पी ओ फोर इसका क्या जाएगा, इसके पास हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या क्वेश्चन सॉल्व होता है। यदि आपको इसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है फॉर्मूला लिखने में, तो आप हमें अवश्य हमारे नंबर पे फ़ोन करने का कोशिश कीजिए। आप बाय, गुड नाइट।